कोबरा की जान खतरे में है। ये बुरा तरह से जाल के अंदर फंस चुका है। बहुत ही देख करके हमें बड़ा अजीब सा फील हो रहा है कि मान लीजिए अगर हम लोगों को कोई इस तरह का नेट में फंस जाए तो क्या होगा। और इस बेजुबा को बचाना है क्योंकि एक जहरीला सांप है। तो आप लोगों के पास कोई ब्लेड वगैरह है भैया? चलिए ब्लेड मिल गया। हाँ हाँ, ये जाल में फंस चुका है बुरा तरह से। अब इसको हमको ध्यान में रख करके, इस गांव वाले इतना ही अच्छा है यहाँ कि लोग मारना पसंद नहीं करते। मारने का होता तो कब का मार देता। थोड़ा गांव वाला लोग को एक बार एक नजर कैमरा में कैद कर लो। सब गांव वाले हमारे वीडियो को उससे प्रभावित होते हैं। आ थोड़ा थोड़ा आप लोग डिस्टेंस बना लीजिए। देखिए कोरोना काल चल रहा है, मास्क का उपयोग, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस कर लीजिए। रात का समय है ना। पकड़िए, बुरा तरह नेट में फंस चुका है ये। हमारा मेन मकसद है सांपों को इंसानों से बचाना और इंसानों को सांपों से बचाना। वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए कुछ क्षण के लिए हम चाहेंगे कि थोड़ा सा वीडियो को रोकिए। साधनदा को हम कहीं देखे हैं भाई, मंच पर आइए, छुपे हुए हैं हमारा भाई, बड़ा भाई समान है। आइए इधर आइए, हमारे पंचायत से हैं साधनदा। काफी दिन एक जगह पर हम लोग थे और अभी ये गांव में रहते हैं। ये तालबेड़िया गांव है जो पंचायत से जुड़ा हुआ है। साथियों, ये कोबरा जो है ये पूर्ण रूप से नेट से हम छुड़ा दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि मुबारकदा इसका लेज तो मोटा हो गया है। तो ये सांप जो होता है ना, ये इंदुर बीच बीच में क्या करता है, लेज को काटते रहता है, जिसके कारण लेज मोटा हो जाता है। और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये कोई जानवर काट दिया या कोई आदमी को ये मार दिया, तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भ्रम है। अब इसको हम थोड़ा छोड़ के जरा देख रहे हैं कि भाई क्या रिजल्ट है इसका। ये बिल्कुल स्वस्थ है ना, बिल्कुल स्वस्थ है। ये खड़ा भी हो जाएगा, काला टोपी पर ज्यादा असर। हाँ हाँ हाँ, ये थोड़ा सा क्या है, नेट से निकला है ना। हाँ हाँ हाँ, अभी भी हमको जैसा लग रहा है। हाँ हाँ, देखिए ये अपना असली रूप में आ गया, असली रूप है। यही कोबरा का नेचर होना चाहिए। अब ज्यादा हम डिस्टर्ब नहीं करते हुए चलिए हम इसको रख लेते हैं, कोई बड़ा जंगल में छोड़ देंगे, उसका भी वीडियो हमको ऐड करना होगा। ठीक है, इसको लग रहा है कि हम कोई बिल में जा रहा है। ओहो हो, एक जाल का टुकड़ा रह गया है, पकड़िए, इसीलिए बेचारा और ज्यादा। हाँ, अब पूरा छूट गया। अब देखिए तो अब ठीक खड़ा हो जाएगा। देखिए कोबरा जितनो हो ना, वो अपना नेचर दिखला ही देता है। इसको लग रहा है कि हम कोई बिल में जा रहे हैं। और इधर चारों तरफ छेद ही छेद है जहां ऑक्सीजन जाएगा। यहां डबल नट लगाए हुए हैं और इसको इधर से अगर हम लोग लॉक कर देते हैं तो फिर ये जब तक हम नहीं चाहेंगे ये निकल नहीं पाएगा। और इधर फिर एक बोल्ट है जो यहाँ चला जा रहा है और इसमें लेकर के ट्रेवल करने में काफी हम लोग सेफ समझ रहे हैं। साथियों, रिलीज करने का मजा ही कुछ अलग है। देखिए किस तरह ये मछली का नेट में फंस गया था। जय हिंद, जय भारत, गर्व से कहेंगे वंदे मातरम।